जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, मेरा माउंट छूट गया था, फिर मैंने इसमें नया माउंट लगाया। आई डोंट थिंक कि पता नहीं किस कितना काम करेगा, फिर भी रिस्क तो लेना पड़ेगा आप लोग के लिए। तो हम निकल चुके, अब जा रहे हैं ब्लॉग के लिए। छोटा सा ब्लॉग होगा, एक उज्जवल नाम क्या है, परविंग जा रहे हैं। एक अच्छा सा सीनरी है और हम अभी क्लास ख़त्म होकर आए हैं रूम में, तो अभी घर जाकर कपड़ा बदल नहीं सकते तो क्लास के ड्रेस में जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारा बाइक उधर खड़ा है और ये रहा मेरा दोस्त। ये हम चारों जाएंगे। ये नहीं जाएगा क्योंकि इसका थोड़ा काम है, इसका गर्लफ्रेंड आ रहा है इसलिए ये नहीं जाएगा। तो ये रहा हमारा बाइक, चलो मुझे टायर का भी थोड़ा हवा कम है तो मुझे थोड़ा टायर में हवा भी लगाना है। जाकर सबसे पहले हवा लगाएंगे। सो भाई हवा तो यहाँ पर हवा लगाएंगे। यहाँ ही पुख्सा है ना, हाल्नु पर्छ टूर के लिए। पीछे का टायर में हवा नहीं है मेरा। तो गाइस हवा लगने के बाद अभी मिलते हैं आपको। मेरा ना ये टायर इतना प्रॉब्लम दे रहा है ना, फिर पंचर भी हो गया है, लीक हो रहा है हवा थोड़ा थोड़ा, और वो आगे का नज़ल भी बिगड़ गया है। पता नहीं कितना और कितना प्रॉब्लम देगा ये। एक बार तो पूरा सर्विसिंग करवाना ही पड़ेगा, शायद नया टायर लगाएंगे, नया हैंडल। सो मिलते हैं शायद अभी आप लोग को। तो गाइस फाइनली हम लोग हमारा टायर बना करा चुके हैं और आज भी उसी दिन हर दिन की तरह वही हमारा अरविंद दोस्त फिर लेट कर रहा है। वो अभी नीचे है, वो पहले आ जाएगा बोल रहा था। ये देखो प्रो राइडर है सब लोग, तो उसी का वेट, हर बार वो वेट कराने लगाता है। पता नहीं, एक तो ये बाइक का टायर में टायर ना फेंक दूंगा जैसा लग रहा है। जब नया मेरे पास पैसा आ जाएगा ना तब देखो। हम वही चार ग्रुप है और हमेशा की तरह वही लेट है। तो गाइस अभी मेरा थोड़ा वो माउंट का फिर प्रॉब्लम हो रहा है यार, तो अभी जाते समय उतना थोड़ा वीडियो में क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अभी आपको। इस तरह फिर से लेट आ रहा है। हमेशा भाई क्यों इतना लेट, हमेशा क्यों लेट आ रहे हो? फाइनली गाइस वी आर मूविंग है, हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, जो कि हमारा अरविंद ने लेट कर दिया था। तो आई डोंट नो साउंड कैसा आ रहा है, पीछे से ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर साउंड अच्छा नहीं आएगा तो मैं वॉइस ओवर करके डालूँगा। मैं रोकूँ, बात मारूँ ना। कहाँ से आए हैं आप लोग? वैसे हम हैं तो देखा ना आप लोग को, नीचे यूट्यूबर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो नाम शुरू अभी यहीं तक फिर चलिए हमारे साथ ऊपर, वहाँ पर हम भी वहीं जा रहे हैं घूमने के लिए।
सीनरी विनरी है। जाओगे चलो चलो मेरा एक यूट्यूब चैनल है ना छोटा सा। अच्छा ठीक है चलो चलिए। वो मोन टूट गया था तो पीछे से ही कर रहा है सब पीछे। फोर किलोमीटर हट ले। चलो चलो चलिए। तो गाइस देखिए दोस्त लोग मिल गए हैं बाहर से आए हैं घूमने के लिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई आता है ना। लग रहा है ना कि कभी साउंड में साउंड वो कभी बाइक का टायर जा रहा है किधर जा रहा है कभी पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ओवरटेक रनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। चलिए चलिए तो अभी देखते हैं कैसे। अभी एक दो दिन तो करना ही पड़ेगा ऐसे इसी तरह से। पिताजी का घर में सिर्फ एक ही फोन था और उसी फोन से सब लोग जाते थे। आप लोग व्यू देखो गाइस इतना मस्त है ना। मगर रास्ता थोड़ा टूटा है। वो आगे जा रहे हैं सब लोग। उन लोग के पास हिमालयन है R15 है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो है हमारा अरविंद पीछे जो हमेशा लेट करता है और हमारा एक टूटा फूटा सा चलना पड़ता है गाइस। इसलिए अगर आप धीरे चलो तो सेफ्टी फर्स्ट है ना गाइस। तो पता नहीं वो सामान कहाँ पर खरीदेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है गाइस। तो अगर मैं अगर साउंड अच्छा नहीं आएगा तो मैं वॉइस ओवर कर आपको दिखाऊंगा। अगर साउंड आ गया तो इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा।
चलते हैं ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग में इतना ज़्यादा मिल रहा है ना मुझे आजकल, क्या बताऊँ गाइस। तो अगर मैं माउंट लगाता, मेरे फोन का माउंट अगर लगाता तो यहाँ पर तो कंफर्म टूट जाता। और जो जिसके पास हिमालयन है वो तो मस्त जा रहा है ना, अच्छा सा अच्छे से चला जाएगा वो तो। देखते हैं अभी, इसीलिए तो ख़रीदा था बुलेट कि ऑफ रोडिंग में अच्छे से हो जाए। वो हमसे भी तेज निकल रहे हैं यार, क्या मतलब बेइज्जती हो रही है ना। कोई नहीं, होती है तो होने दो बेइज्जती। देखो गाइस कितना बढ़िया सुंदर, यहाँ पर ना एक पीसफुल प्लेस आप बोल सकते हो। अरे कभी गियर, पता नहीं कौन कौन सा गियर लग रहा है यार। अच्छा, बहुत अच्छा रास्ता है। ऑफ रोडिंग में इतना ज़्यादा मिल रहा है ना आजकल हमें, तो कभी कभी तो लगता है चल कर चलूँ ना ऑफ रोडिंग की वजह से ना। देखो और इस रास्ते में अगर थोड़ा भी कंट्रोल करेंगे तो मिल जाएंगे। और सर्विसिंग बहुत ही जल्द से जल्द मुझे करना है मेरे बाइक का। मेन तो मेरा ये जो टायर है उसे चेंज करूँगा, और आगे हैंडल बार उसे भी चेंज करूँगा। टायर ने इतना प्रॉब्लम दिया है ना मुझे गाइस, क्या बताऊँ यार। मेरा ना जितना अभी इस टायर में खर्चा हुआ है ना, उससे ज़्यादा तो उससे कम में हो जाता शायद नया टायर आ जाता फिर से ऑफ रोडिंग। देखो भाई कितना मस्त व्यू है। कसम से अगर मेरे पास ना GoPro ना SD कैम भी होता ना तो कसम से बता रहा हूँ मैं, इतना बढ़िया बढ़िया आपको दिखाता ना। लेकिन गाइस आएगा, सारा वीडियो आएगा इसी चैनल पर, बस आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए देखिए इतना ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन आपका भी ब्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा। मैं कॉलेज पूरा आपको कॉलेज का थोड़ा मोड़ा नीचे तो देंगे नहीं हमें वीडियो, तो वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो फिर भी जितना हो सकेगा मैं बहुत जल्दी आप लोगों को मेरा कॉलेज का ब्लॉग दिखाऊंगा। देखिए वो लोग उधर पहुँच चुके हैं, उस पार पहुँच चुके हैं। हमारा तो क्लास ही धीरे चलेगा ना। चलो मैं तो अभी सोच रहा हूँ, फ़ोन खरीद कर गलती कर दी। मैं अगर डायरेक्ट एक एक्शन कैमरा और जो मेरा पुराना फ़ोन था वो बनाता तो शायद अच्छा होता, क्योंकि इसका भी इंस्टॉलमेंट मुझे पे करना पड़ रहा है। सर कोई नहीं, धीरे धीरे सब खरीदेंगे। अभी तो जो हो गया उसके बारे में क्यों टेंशन लेना, जो अब होने वाला है उसके बारे में सोचना चाहिए ना। अभी इतना दूर है पर भी मैं तो सोच रहा था पास में होगा, क्या बोलते हैं गाँव है। देखो इतना ऑफ रोडिंग, चलो एक नंबर में चलते, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। वाह इतना बढ़िया, वाटर क्रॉसिंग भी है ऑफ रोडिंग भी है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए शायद, पर फ़ोन संभाल के पकड़ना भाई, गिर जाएगा तो फिर अप्रैल फुल मत होना। क्या हुआ रेस्ट, आप लोग तो प्रो हो, तो प्रो राइडर हो। यंगर और एल्डर, यंगर लोग यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ पर बहुत ही दिक्कतों के बाद आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा फॉगी लगा हुआ है, अभी क्लियर हुआ है। हम आपको सिनेमेटिक तो नहीं दे सकते, ड्रोन है नहीं, ड्रोन भी बहुत जल्द आएगा, वो हमारा सुजन भाई हमें स्पॉन्सर करेगा ड्रोन के लिए। तो पीछे का व्यू दिखाते हैं आपको, आइए।
ये रहे हमारे दोस्त, ये जो लास्ट वाला है ना सबसे लेट हमेशा, इसका नाम ना कुछ आप लोग सोच कर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? कमेंट पनि तिमीहरूले गर, कमेंट भी यही लोग करते हैं सिर्फ। तो देख लीजिए यहाँ पर ये है, इसी चीज़ के लिए आए हैं, व्यू देखिए। तो गाइस हमारे साथ जो दोस्त लोग आए हैं वो भी है उधर, तो ये देखिए कितना मस्त सा व्यू है, बढ़िया सा। ड्रोन होता ना तो कसम से यार इतना मज़ा आता ना ड्रोन उड़ाने में, लेकिन है नहीं ना ड्रोन तो नहीं, एक एक्शन कैमरा नहीं है तो ड्रोन कहाँ से लेंगे, लेकिन बहुत जल्द लेंगे ड्रोन। और ओके बहुत ही जल्द मिलेंगे, आएंगे उत्तराखंड भी आएंगे मोटो ब्लॉग करते हुए, अगर ऊपर वाले ने सारे दिया काम। तो भाई ये बांदरसँग तिमी खिच्यौ तिम्रो फोटो, तिम्रो खिच न। आप लोग को कितना पड़ा ये बाइक का रेंट? ठीक है बाय बाय, मिलते हैं फिर जल्द, बहुत जल्द। अभी आप फोन कीजिए नीचे पहुँच कर, ठीक है? गाइस जो हमारे हम लोग के साथ आए थे वो लोग लौट गए, क्योंकि वो सीधा दार्जिलिंग से यहाँ आए थे, तो उन लोग को थोड़ा थकान हो गया था, तो वो लोग जाकर नीचे फ्रेश होंगे, और उसके बाद जब हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो उन लोग को थोड़ा गाइड कर देंगे कि कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाना है। और ये लोग देखिए आते समय खाना शुरू हो गया है। तो गाइस देखिए आप लोग को दिखाते हैं नीचे जाता हुआ वीडियो, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे।